देखो बच्चों, नवोदय 2023 के ये पेपर में आया है क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन में समझ लो पहले। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तीन लोग हैं प्राप्त किए। जाद ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों अंकों का योगफल 235 है, 235 है। जाद ने कितने अंक प्राप्त किए, कैसे निकालेंगे देखो। तीनों सभी मक्खी भाग रही है, ये और अंक योगफल, तो कैसे करेंगे तो देखो, इसको हम जरा सही कर दें। मक्खी आ जाती है, कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान है। जांच ने जांच के अंक पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले दिनेश से शुरू करेंगे। कहां से करेंगे देखो, हल माना दिनेश ने एक्स अंक प्राप्त किए, दिनेश ने। अब सवाल के अनुसार चलेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है। रहीम ने दिनेश से 10 अंक प्राप्त किए, तो रहीम के अंक कितने लगाएंगे। रहीम बोलो, कौन बताएगा, रहीम के अंक क्यों, अंक हो जाएंगे तुम्हारे x प्लस 10, 10 अंक ज्यादा है भाई। दिनेश के अंक कितने हैं, x, रहीम ने 10 अंक ज्यादा मिले, तो x में 10 और जोड़ लो, उससे समझ में आया। अब आगे, जाद ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। अब जाद आ गया, जाद के अंक, सीधा सीधा सवाल है, जाद के अंक किससे कम प्राप्त किए, 25 बताओ, रहीम से। तो रहीम के अंक कितने हैं यहाँ पर, 10, कहाँ 10, x प्लस 10, हाँ, तो x प्लस 10 में से घटा दो, 25 कम प्राप्त किए, 25 कम रहीम से, तो ये कितने हो गए, x प्लस x माइनस हो जाएंगे तुम्हारे 15। नहीं आया समझ में, ये जाद के अंक हो गए, किसके हो गए, जाद के अंक। अब प्रश्न क्या कह रहा है, अब सुन लो, सभी तीनों के अंकों का योगफल कितना है, 235। हाँ, किस किस के, आप लोग ध्यान से, यार दिनेश प्लस रहीम प्लस जाद, तीनों के अंक कितने हैं, 235। ये है सवाल, ये कह रहा है यहां से प्रश्न, किसके समझ में आया, तीन लोगों के। तो दिनेश के अंक कितने हमने माने हैं, दिनेश के कितने माने हमने, x, रखते चले जाओ। रहीम के कितने हैं, x प्लस 10, हाँ प्लस, जात के कितने हैं, x 15 बराबर 235। इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को कैसे करेंगे वो देखो, ध्यान हमेशा ध्यान रखो, x x x कितनी x हो गई, 3x प्लस, अंकों में अंक जोड़ते हैं और बीजीय पद अलग जोड़ते हैं, एलजेब्रिक पद। यहां पर कितने हैं, 10, यहां कितने माइनस के, 3, कैसे घटाएंगे बताओ, ये कैसे घटाएगा, 10 माइनस 15 नहीं, किधर भी नहीं जाएगा, 5 आएगा लेकिन माइनस का आएगा, माइनस की ज्यादा, जिसके ज्यादा होते हैं उसी के बचते हैं, चिन्ह माइनस का लगा, तो यहां पर क्या बचे, माइनस 5, यहां पर लगाओ माइनस 5,
बराबर 235। तो 3x बराबर 235 प्लस 5। अब ले जाएंगे बराबर से, इधर को किधर ले जाएंगे बराबर से, इधर को बराबर से किधर ले गए, इधर को ले गए, प्लस को हो गए, ये हो गए 240। कितने हो गए 240। अब x की वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है, x की। कैसे निकलेगी, हमारे पास जो है देखो टर्म 3x बराबर दिया है 240, x बराबर क्या हो जाएगा 240 बटे 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, कितने आ गए 80 अंक आ गए, किसके आ गए, ये आए किसके आए, दिनेश के। वो किसके पूछ रहा है बोलो, किसके पूछ रहा है, जार्ज के, किसके पूछ रहा है, जार्ज के, जार्ज के पूछ रहा है। तो देखो मैं इसको साफ कर रहा हूं और बता रहा हूं जार्ज ने कितने अंक प्राप्त किए, दिनेश के अंक आ गए कितने आ गए बोलो बच्चों, 80। दिनेश के यहाँ पर यही तो गलत कर देंगे बच्चे, अंक बराबर आ गए 80। पूछ कितने आया, जार्ज के अंक, जार्ज के अंक बराबर, जार्ज के अंक कितने हैं, एक्स माइनस 15, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 80 माइनस 15, 80 में से घटाओ 5 और यहां रह गए 7, 6, 65 अंक मिलेंगे जार्ज को। समझ में आया yes, sir. नहीं आया, ये स्टेप मैंने गायब कर दी थी, लिख दूं दोबारा, हाँ ले ये वाली स्टेप गायब हो गई थी, यहां लिख दे रहा हूं मैं, 3x बराबर 240, x बराबर हो गया 240 बटे 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 80, x का मान कितना आ गया 80, 80 आ गया, ये किसका है, दिनेश का हिस्सा, किसका है, लेकिन पूछ कितना है, जार्ज का, तो जार्ज का निकलेगा तो ऐसे निकलेगा। थैंक यू भाई।